आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ यहां जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सिर्फ देश में नहीं गुजरात में इसके आसार सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि गुजरात में इस वक्त जो जमीन तैयार की जा रही है, जिस जमीन पर आगे के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, अंत में देखा जा रहा है कि उस जमीन पर वो कार्यक्रम जो है वो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में जो चुनाव का माहौल है, उस बीच में खबरें जो है वो लगातार निकल करके आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है जीत के बेहद करीब है, लेकिन जीत नहीं पा रही है। और अब तो ये भी खबरें आने लग गई हैं कि तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो उनसे छिटक रही है। वो वोट बैंक जहां पर मोदी गढ़ जो है वो पहले से ही बना हुआ है, जो जगह पहले से ही मोदीमय हो रखा है, उस जगह पर अरविंद केजरीवाल अपना परचम नहीं लहरा पा रही है। ऐसे जगहों पर अरविंद केजरीवाल को जीत के लिए किसी के साथ की जरूरत है, और वो साथ बनता हुआ जो छोटी छोटी पार्टी थी, जो छोटे छोटे आस उनसे जुड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल की, वो छूट चुके हैं, वो पार्टियां उनसे किनारा कर चुकी है। ऐसे में ये समझा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है अरविंद केजरीवाल बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन करने का फैसला ले सकते हैं। ये मायने क्यों निकल रहे हैं, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दरअसल यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने वोट बैंक को कम से कम साध सकती है। माना इस बार कि उनके वोट बैंक में बहुत कमी आएगी, लेकिन फिर भी महिलाओं का वोट, वो तमाम वोट जो इस वक्त पहले से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, वो जो पक्के कांग्रेसी वोटर्स हैं, वो वाले वोट जो है अरविंद केजरीवाल के काम बहुत आ सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां से इस बार वो सोच रहे थे कि आदिवासी कार्ड खेल करके आदिवासी समुदाय को अपने साथ ले आए, गरीबी स्तर से किसी नेता को उठा करके जो है गरीबों को साथ लिया जाए, महिलाओं का वोट बैंक साधा जाए, तमाम कोशिश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की थी, लेकिन अब उन कोशिश पर जो है अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल तय होती हुई नजर आ रही है कि वो आगे चल करके कांग्रेस को लेकर के भी अपना एक नर्म रुख जो है वो दिखा सकते हैं। बाकी तो राजनीति है, राजनीति आप जानते ही हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकता है। आप लोग को क्या लगता है हमारी इस खास रिपोर्ट को देख करके, क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सच में ये बड़ा कदम उठाएंगे और क्या यहाँ कांग्रेस के साथ जाने के बारे में आगे सोच सकते हैं? देखिए पहले तक तो उनके पास एक बहाना था कि वो कांग्रेस के साथ इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि जो छोटे छोटे दल जिनके साथ वो जुड़ी थी, जिनमें सबसे ज्यादा नाम बीटीपी का सामने आ रहा है, उन दलों के बदौलत जो है वो अब कई सारे वोट बैंक को साधने का कार्य कर सकते हैं, खास करके आदिवासी समुदाय के। लेकिन जब से इनका साथ छोड़ा है तब से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन उनके सामने है कि वो यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम करके जो है आगे बढ़ सकते हैं, कुछ वोट बैंक में प्रतिशत में जो है यह बढ़ोतरी अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आ सकती है। आप लोग को क्या लगता है, आप अपने तर्क हमें कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन आई न्यूज़।